Can you all please check my voice now? Mike, check, check, check. Screen back away. और जिनकी स्क्रीन ब्लैक हुई है प्लीज रिफ्रेश इट प्लीज रिफ्रेश सब ठीक है ओके एक्सक्यूज मी यही ब्लोर क्यों दिख रहा है ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल सो यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड विथ आर फर्स्ट एक्ट विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ बातें हमने कल की थी आज उसे हम रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये कौन से दिन पे आया था वॉट इज द एग्जैक्ट डे ऑन विच दिस एक्ट केम इन टू एनफोर्समेंट क्या आप लोग मुझे इस एक्ट की डेट बता सकते हो बोलिए आई एम वेटिंग फॉर यू एंड फॉर योर आंसर्स ऑन द टेलीग्राम ग्रुप प्लीज लेट मी नो द एग्जैक्ट डेट ऑन विच दिस एक्ट केम इन टू एन्फोर्समेंट कमऑन गाइड्स प्लीज बी अ लिटिल फास्ट टू रिप्लाई म इन टू एनफोर्समेंट ऑन 1st ऑफ सेवेंटी 1872 और यही एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन नंबर वन जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एक्ट के बारे में यही जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया तो कल ही मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि आज के जमाने में कोई भी एक्ट जो आता है ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो होती है इट इज ऑलवेज टू द होल ऑफ इंडिया ये जो कॉन्सेप्ट था इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब वो नहीं रहा है एंड एवरी एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नो एक्सेप्शन टू इट सो बेसिकली नटल में अगर मुझे बताना हो सेक्शन वन बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में कि ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कहां-कहां अप्लाई -कहां करता है तो ये एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया फिर कल साथ साथ में मैंने डेफिनेशन शुरू की थी ऑफ द वर्ड विच इज कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन

प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है एक अग्रीमेंट और यही अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है बाय लॉ इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट साथ ही साथ हमने कल के लेक्चर में यह भी देखा था हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट तो होता है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है याद कीजिए विराट और अनुष्का के एग्जाम्पल को याद कीजिए मैंने आपको वादा किया था कि मैं क्लास के बाद लेके जाऊंगी आपको एक आइसक्रीम ट्रीट के लिए मैंने दिया था ऑफर आपने दिया था इसी ऑफर को एक्सेप्टेंस हमारे बीच में अग्रीमेंट बन गया था बट देर वॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन मीन्स देर वॉज नो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बिकॉज वॉट हैपेन्ड बिटवीन आस

अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफर को जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गया इट विल बी एन अग्रीमेंट बट एन अग्रीमेंट प्लस एन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉट इज द ब्रॉडर स्कोप के आप लोग मुझे बता सकते हो ब्रॉडर क्या होता है अग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है कल भी आपने सारे बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया था अग्रीमेंट इज ब्रॉडर वेर एज कॉन्ट्रैक्ट इज अरोम बिकॉज एंड अग्रीमेंट में भी ऑफ सोशल नेचर डोमेस्टिक नेचर और इवन ऑफ कमर्शियल नेचर बट ओनली दोज अग्रीमेंट विच आर ऑफ कमर्शियल नेचर टर्न इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट सो ब्रॉडर इज अग्रीमेंट वेर एज नैरोअर इज अ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वेराज कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा होता ही होता है और एक लास्ट डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट होगा ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव एन अग्रीमेंट सो इतना हमारा कल हुआ था अब हम लोग बढ़ेंगे आगे सो so, देखो आप आपके चार्ट बुक में देख ही सकते हो

और इसी ऑफर और एक्सेप्टेंस को अगर एनफोर्सिबिलिटी मिल जाती है देन इट टर्न्स आउट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट और वहीं पे नीचे मैंने आप लोगों को बताया द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब देखो इसी एसेंशियल के दो हिस्से मैंने बताया सेक्शन टेन एंड दो नॉट गिवेन अंडर सेक्शन टेन आई एम स्टार्टिंग विद दिस पार्ट फर्स्ट ओके दो विच आर नॉट गिवेन अंडर सेक्शन नंबर टेन सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है वॉट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो बात करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगती है टू पार्टीज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट टू पर्सन यू रिक्वायर एटलीस्ट टू पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर टू पर्सन यू रिक्वायर टू पार्टीस ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर हम नहीं मिनिमम टू पार्टीस क्या दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है जी हां मिनिमम जो है वो लगती है दो पार्टीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में पांच पार्टीज़ हो सकती है दस पार्टीज़ हो सकती है पचास पार्टीज़ भी हो सकती दो सौ पार्टीज़ भी हो सकती है पांच हजार पार्टीज़ भी हो सकती है रिक्वायरमेंट जो एक्ट के हिसाब से है वो मिनिमम की है विच सेस दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए यू रिक्वायर टू पार्टीज वन पर्सन के नॉट एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम सेल्फ यू रिक्वायर at least two parties to form a valid contract ab de khajama kathu you require at least two persons these two parties can either be two natural parties or two artificial parties और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ नेचुरल एज वेल एज एन आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट कैन हैपन बिटवीन यू एंड अ शॉपकीपर गर्मी का मौसम है एंड यू लव आइसक्रीम्स तो आप क्या करते हो आप एक किराना की शॉप में जाते हो या आप नेचुरल आइसक्रीम वाले के पास चले जाते हो और आप कहते हो कि हे hey भैया मैंगो मैंगो फ्लेवर का एक कप दे देना अब ऐसे केस में उन्होंने आइसक्रीम दिया आपने पैसे दिए उन्होंने आइसक्रीम दिया आपने पैसे दिए, उन्होंने आइसक्रीम दिया आपने पैसे दिए अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू नेचुरल पर्सन एक आप और एक ये शॉपकीपर सो बेसिकली यू एटलीस्ट रिक्वायर टू पार्टीज दीज टू पार्टीज मे बी वन टू नेचुरल पार्टीज जहां पे एक आप हो और एक शॉपकीपर है, है आपने पैसे दिए उसने आइसक्रीम दिया या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है कुड ऑल्सो हैपन बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि हाल ही में प्रैक्टिकली आपने न्यूज पे भी देखा होगा या न्यूज पेपर में भी पढ़ा होगा दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि हमने हाल ही में देखा है आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ है अब आइडिया लिमिटेड वॉट इज आइडिया लिमिटेड एंड वॉट इज वोडाफोन लिमिटेड बोथ आर कंपनीज और कंपनी जो है इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे देखो क्या हुआ है दो आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट आइडिया लिमिटेड एंड वोडाफोन लिमिटेड यह दोनों कंपनी अब वी बन चुकी है वी एंड आई वी वी फॉर वोडाफोन आई फॉर आइडिया इन दोनों बट इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अब यह जो कॉन्ट्रैक्ट है हा यह कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड केस देखो कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी एंटर्ड इन टू बिटवीन अ नेचुरल पर्सन एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल यू परचे थाउजेंड ऑफ इन्फोर्सिस लिमिटेड आपने क्या किया है आपने दस हजार रुपए कंपनी को दिए है और कंपनी ने उसके बदले उसके शेयर्स दिए है अब आप जो हो यहां पर एक नेचुरल पर्सन आप कौन हो नैचुरल पर्सन और इन्फोसिस लिमिटेड जो यहां पर है इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो नाउ इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज हैपेंड इज हैपनिंग बिटवीन अ नेचुरल पर्सन अलोंग विथ एन आर्टिफिशियल पर्सन सो पते की बात यह है चाहे दो लोग नेचुरल है दो आर्टिफिशियल है या नेचुरल और आर्टिफिशियल का कॉम्बिनेशन है डज नॉट रियली मैटर टू अस द कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स एट लीस्ट बिटवीन टू पर्सन सो सबसे पहला असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट शल हैव एट लीस्ट टू पार्टीज वन पर्सन मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग दैट ऑफर तो देखो पॉइंट नंबर वन Two parties. Contract involves at least two parties. One party making the offer and the other party accepting it. So, the first requirement of an essential contract is that you should at least have two parties. Next. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन ये तो हम कल से देखते आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन ही कहती है क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द की डेफिनेशन एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वॉट यू ऑल्सो रिक्वायर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपका अग्रीमेंट सोशल या डोमेस्टिक टाइप का है तो वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रह जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया क्या प्रॉमिस किया आपके पापा ने कि हे बेटा जैसे ही आप सी ए फाउंडेशन क्लियर हो जाते हो हम आपको आईफोन 12 गिफ्ट करेंगे अब आप फाउंडेशन क्लियर हो गए बट अनफॉर्चुनेटली आपके पापा ने आपको आई गिफ्ट नहीं किया उस केस में विल यू बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट योर फादर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो वाई बिकॉज दिस अग्रीमेंट इज ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर या फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो ना यहां पे क्या हुआ है यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि कटरीना जी ने सलमान भाई को चाय पे बुलाया है ओके okay? कटरीना जी ने सलमान खान को चाय पे बुलाया है मतलब कटरीना ने ऑफर दिया सलमान ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया बट अनफॉर्चुनेटली उस शाम सलमान कटरीना के घर पे चाय के लिए नहीं आते हैं क्या कटरीना सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी बोलो क्या कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी बोलो ना क्या कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगी सो पारुल रिकी मोहित शिवानी किरण पीयूष रूपल वेरी गुड सब बच्चे कह रहे हैं कि नो मैम कटरीना जी सलमान के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी क्यों केस फाइल नहीं किया जा सकता है बिकॉज दे आर फ्रेंड्स ओके किसी ने शायद डोमेस्टिक कहा है बेटा दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ ओके दे आर फ्रेंड्स सो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम विल नॉट बी डोमेस्टिक इन नेचर इट विल बी सोशल इन नेचर तो आप भी अगर आपकी फ्रेंडी को चाय पे घर पे बुलाते हो और वो नहीं आती है माई डियर फ्रेंड्स अभी तक वो आपकी घर वाली नहीं बनी है है ना तो वो डोमेस्टिक नेचर नहीं होता है इट विल बी कंसिडर्ड लीगली एज अ सोशल अग्रीमेंट ओनली तो यहाँ पे इट्स अ सोशल अग्रीमेंट ओके एंड बिकॉज अ सोशल अग्रीमेंट डज नॉट हैव और डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप

लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज सोशल और डोमेस्टिक टाइप की अग्रीमेंट जो होती है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं होती है ठीक है ठीक है तो सुनो मेरी बात पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लीगेशन

अदर फॉर्मैलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ इन सर्टेन केसेस सुनो मेरी बात कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप के होते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप के होते हैं जिनमें कुछ फॉर्मैलिटीज का होना जरूरी है फॉर्मेलिटीज जैसे कि क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी राइटिंग में होना जरूरी है साइन्ड होना जरूरी है डेटेड होना जरूरी है या सिर्फ फॉर एग्जाम्पल स्टैंप्ड होना जरूरी होते हैं या रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का है तो वो फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है अगर आपने वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की देन अनफॉर्चुनेटली सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एबल टू बी एनफोर्स जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग या तो अगर आप कोई चेक इशू करते हो यू कैन नॉट इश्यू अ चेक ओरली इट कंपल्सरी हैज टू बी इन राइटिंग इट शुड बी डेटेड एंड इट शुड बी साइंड चलो राइटिंग में है आपने नाम भी लिख दिया पेई का अमाउंट भी लिख दिया डेट भी लिख दिया आपने साइन ही नहीं किया क्या ये चेक को एनफोर्स किया जा सकता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपका आज बर्थडे है ओके सो वेन आई केम टू नो इट्स अ बर्थडे मैं क्या करती हूँ आपके नाम पे एक चेक लिखती हूँ पे वट एवर योर नेम इज अम ऑफ रूपीज फाइव लैक्स वर्ड में फिगर में आज की डेट भी लिख देती हूं बाईस अप्रैल दो हजार इक्कीस सारी चीजें लिख देती हूं बस ही नहीं करती और मैं कह देती हूं हैप्पी बर्थडे दिस इज योर गिफ्ट विल यू बी एबल टू क्लेम दिस फाइव लैख रुपीज फ्रॉम मीक वेलमी विल यू बी एबल टू क्लेम दिस फाइव लैख रुपीज फ्रॉम मीक वॉन्टेल मी सो यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब आ गया है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम मी वाई बिकॉज चेक्स कंपल्सरी हैव टू बी राइटिंग डेटेड एंड स्टैंप्ड दीज आर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको अगर आपने पूरे नहीं किए वो इंस्ट्रूमेंट इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता है सो yes no so, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, ट्रेंग के लिए राइटिंग में होना जरूरी नहीं होता इसीलिए मैं कह रही हूं कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉर्मेलिटीज होना जरूरी होता है और अगर आपका वो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है आपको वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर पाओगे हसन कह रहा है मैम दे दो चेक बेटा बड़ी गरीब इंसान हूं मैं मेरे खुद के खाते में पांच लाख रुपए नहीं है मैं आपको क्या दो बताइए आप चलो सो यस लेट अस रीड दिस पॉइंट इनकेस ऑफ सर्टिन कॉन्ट्रैक्ट है ना जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप बाय करना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए स्टैम्प्ड होना चाहिए साइंड uh, होना चाहिए डेटेड होना चाहिए रजिस्टर्ड भी होना चाहिए सारी चीजों का होना जरूरी है <laughs> शिवाली कह रही है मैम आपका जैसा गरीब भगवान सबको माना <laughs> बेटा सच में मैं गरीब हूं अभी क्या बताओ आपको आ जाइए सर बी एमडब्ल्यू में घूमते मैं तो मेरी गरीब ब्रायो कार में घूमती हूं आपने देखा नहीं मुझे प्रेस्टीज पॉइंट पे ब्रायो में आते हुए इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग रजिस्टर्ड अंडर लॉज

सुनो ना मेरी बात आ जाओ हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ कमेंट करना जरूरी है क्या सुनो <laughs> एकदम लॉ के बच्चे आप लोग लॉ के बच्चे राशि कह रही है मैम सही कह रहे हो आप आपके अकाउंट में पाँच लाख रुपए नहीं है आपके अकाउंट में पचो पचास करोड़ रुपए पड़े हुए हैं मतलब एकदम सही इंटरप्रिटेशन भी निकालने में एकदम माहिर हो आप लोग हाँ मजा आएगा आपकी बैच को पढ़ाने के लिए यू नो आई एम रियली इंजॉइंग टीचिंग ऑल यार बहुत ही मज़ेदार बैच ना आई एम रिग्रेटिंग मैंने जल्दी आपकी बैच शुरू क्यों नहीं की कल भी जब मैंने बैच शुरू किया वो सो हैपी एंड मेरा मूड एकदम रिफ्रेश हो गया आपसे मिलने के बाद आज भी uh, बस छक्के पे छक्के मारते जा रहे हो आप तो सिक्सर पे सिक्सर मजा आया चलो ओके ओके आई डोंट माइंड कमेंटिंग आई टोल्ड ऑल दिस बैच इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटरएक्टिव बैच चाहे मैं अपने फेस टू फेस स्टूडेंट को पढ़ाती हूं या वर्चुअली आई नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन माई स्टूडेंट्स तो ये तो आप देख ही रहे हो सो यू विल नेवर फील कि मैम सिर्फ बोलती जा रही है बोलती जा रही है बोलती जा रही है और हमें इज्जत ही नहीं दे रही और हमें पूछ रही नहीं है आपने देखा ही होगा कल भी और आज भी मेरा सब्जेक्ट भले ही क्रिटिकल है बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंटर बट येस यू शुड नो योर लिमिट्स ओके कभी भी अगर मुझे लगा कि आप लोग लिमिट्स क्रॉस रह, कर रहे हो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर ओके सो यस कीप इन माइंड ओके सो पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर सुनो ना पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट तो ये पॉइंट क्या कहता है ये पॉइंट वही चीज कहता है पॉइंट यही कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट uh, जो होता है वो वेग नहीं हो सकता है इट हैज टू बी सर्टेन वट यू मीन बाय इट जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू अ शॉप आई वेंट टू अ शॉप एंड आई टोल्ड द शॉपकीपर कि भैया मुझे एक लीटर ऑयल दे दीजिए गिव मी वन लीटर ऑफ ऑयल अब अगर मैं वन लीटर ऑफ ऑयल की डिमांड कर रही हूं वॉट ऑयल एम आई डिमांडिंग एम आई डिमांडिंग कुकिंग ऑयल और एम आई डिमांडिंग हेयर ऑयल और एम आई डिमांडिंग मोटर ऑयल ये ऑफर जो मैंने किया है इट्स अ वेरी वेग ऑफर अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन वेग होते हैं देन माई डियर फ्रेंड्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्न टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड इट कैन नॉट बी वेग और इट कैन नॉट बी इन डेफिनेट इट हैज टू बी क्लियर एंड इट हैज टू बी सर्टेन और एक लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फाइव विच देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एंड अग्रीमेंट ऑब्बस बात है कोई भी टर्म्स अगर आपके होते हैं जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है अपने आप में ही माई डियर फ्रेंड्स इट कैन नॉट बी एनफोर्स जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू टेन करोड़ ऑफ रुपीज बट यू फाइंड मी ट्रेजर बाय मैजिक इज इट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल या तो मैं कहती हूं आई विल गिव यू फिफ्टी सीआर रुपीज ये डेड पर्सन को अलाइव कर दो कैन अ डेड पर्सन बिकम अलाइव नो इट इज एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इट सेल्फ if it is an impossible act in itself it is not capable of being performed then my dear friends such agreements can never turn into contracts ye agreement kabhi bhi contract nahi banta hai aur aisa contract banna possible nahi hai ye agreement hi tha और agreement ही रहेगा जहां पे आपने कहा मैं आपको 50 करोड़ रुपए दे देती हूं और उसने कहा आई विल मेक दिस डेट पर्सन अलाइव ये ऑफर और एक्सेप्टेंस आपके बीच में हो भी गया अग्रीमेंट की तरह मर जाएगा यह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ बींग परफॉर्मड गेटिंग दिस और नो माई डियर फ्रेंड्स सो ये दीज आर द फाइव पॉइंट दीज आर द जनरल पॉइंट नॉट गिवन अंडर द सेक्शन नंबर एट बट दीज आर द जनरल पॉइंट विच आर नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक साथ सब लोग रिवाइज करेंगे नाउ प्लीज फोकस एवरी वन स्टॉप

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू विल रिक्वायर एटलीस्ट टू पार्टीज ओके अलोंग विद दैट शुड देर बी अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, यस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होना जरूरी है ये टेक्निकल फॉर्मेलिटीज का होना भी जरूरी है अदरवाइज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा आपके टर्म्स एंड कंडीशन वेग नहीं हो सकते दे हैव टू बी सर्टेन इन नेचर एंड लास्ट पॉइंट इज द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सच दैट इट शुड बी पॉसिबल ऑफ बींग परफॉर्मड इम्पॉसिबल अगर है कोई भी एक्ट को करना देन माई डियर फ्रेंड्स इन इट सेल्फ इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड सो दीज आर द फाइव पॉइंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी देर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आई एम अज्यूमिंग यू डोंट हैव एनी डाउट्स लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर टेन सेक्शन टेन कहता है क्या वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन टेन टॉक्स अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन टेन टॉक्स अबाउट द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला पॉइंट जो है एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है अब यही ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स है जो हम लोग आगे ही इस चैप्टर में देखने वाले हैं बट करेंटली हल्की सी झलक आप देख लो ये सेक्शन नंबर टेन के बारे में सेक्शन टेन कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है ये तो हमने कल भी देखा था इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही कहती है क्या कहती है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दैट एन अग्रीमेंट इज एन ऑफर प्लस एंड एक्सेप्टेंस तो अग्रीमेंट तो हमें चाहिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है सो द वेरी फर्स्ट असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देर शुड बी एन अग्रीमेंट बिकॉज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मतलब क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस सो द फर्स्ट असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट Is that there should be an agreement. there should be an agreement. An agreement means what? An offer plus an acceptance. Point number two, Point number two. This we will be doing tomorrow. Please come down to point number three. Capacity of the parties. to me capacity 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 huh okay listen सुनो ना मेरी बात छक पॉइंट नंबर थ्री पे हूं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज व्हाट इज लेक्चर में होगा डिपेंडिंग अपॉन आज आप कितना कॉपरेट करते हो और कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है सुनो ना मेरी बात जब कभी भी ये दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं आज ही हमने देखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए कम से कम दो लोग लगते हैं ये दोनों भी लोगों के पास लीगल अबिलिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों भी पार्टीज के पास क्या होना चाहिए लीगल अबिलिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब कब माना जाएगा दैट यू हैव द लीगल एबिलिटी टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा दैट यू हैव एबिलिटी टू एंटर इंटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट तीन चीजें एक्ट कहती है कौन सी तीन चीजें एक्ट कहती है एनी पर्सन एनी पर्सन हु इज अ मेजर साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ एनी पर्सन हु इज अ मेजर हु इज हैविंग अ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट हुक्फाइड बाय लॉ हैज द कैपेसिटी To enter into a contract, I want every one of y'all to repeat with me. Wherever you are taking my lectures, whether you are sitting in Delhi, Gujarat, Hyderabad, does not really matter, or South India, you have to repeat with me. Assume that I am teaching y'all personally and we are not learning through the virtual mode. Come on, tell me, my dear friends. Come on, guys, show some energy. Okay. अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है उसमें होनी चाहिए लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा दैट यू हैव द लीगल पावर वेन यू आर अ मेजर यू हैविंग साउंड माइंड एंड यू आर नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ नाउ द क्वेश्चन वेन यू वेन विल यू बी कंसिडर्ड एज अ मेजर ओके सो एनी पर्सन एनी पर्सन हु हैज हु नॉट अ माइनर is a major any person any person who is not a minor is a major any person who is not a minor is a major any person who is not a minor is a major so who is a minor a minor is a bachcha who has not completed 18 years of age a minor is a bachcha who has not completed एटीन ईयर्स ऑफ एज हाँ लेट मी टेल यू वन थिंग कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड इज एन ऑर्फिन ऑर्फिन मतलब वो अनाथ है उस केस में वी विल कंसिडर हिम एज अ माइनर टिल द टाइम ही हैज नॉट कंप्लीटेड ट्वेंटी वन ईयर ऑफ एज ओके तो सुनो मेरी बात अगर आप माइनर नहीं हो आप एक मेजर हो एंड ओनली अ मेजर Has the capacity to enter into a contract. So who is a minor? A minor is a bacha who has not completed 18 years of age. And special cases may you will be considered as a minor till the time you have not completed 21 years of age. Getting this or no, my dear friends? So a minor nay a major o and a major is capacitated to enter into कॉन्ट्रैक्ट अगला पॉइंट कहता है यू शुड बी हैविंग अ साउंड माइंड ओके यू शुड बी हैविंग अ साउंड माइंड सो बेसिकली यू शुड बी इन योर सेंसेज यू शुड बी इन योर सेंसेज ओके देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर हैविंग अ साउंड माइंड यू आर इन योर सेंसेस मीन्स वॉट यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट आई होप यू आर विथ मी ओके आप आपके सेंसेस में हो मतलब क्या यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम यू आर एंटरिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा कि आपका माइंड साउंड है अगर आपका माइंड अनसाउंड है यू विल नॉट बी हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट अब देखो इसी में मैं कुछ डिटेल में जाना चाहती हूँ और आपको कुछ बताना चाहती हूँ It might happen that a person that a person is permanently of unsound mind. Okay. A person is permanently of unsound mind. mentally challenged. Okay. So if you're mentally challenged, if a person is mentally challenged, he is not in a position to understand what is good for him, what is bad for him what is angel, what is evil, such persons are permanently disqualified from entering into contracts. Such persons are permanently disqualified from entering into a contract. But it might happen that a person is temporarily sound and temporarily unsound mind, Just like a drunken person. आज सैटरडे नाइट है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है ना तो अभी यू आर हाई यू आर ऑन हाई नाउ इफ यू आर ऑन हाई यू आर नॉट इन योर सेंसेस आप आसमान में हो आपको चांद तारे नजर आ रहे हैं अब ऐसे केस में इफ यू आर ऑन हाई यू आर नॉट इन योर सेंसेज एंड यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू जज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर यू बट ऐसा नहीं होता है दिन रात ट्वेंटी फोर सेवन यू आर ऑन हाई वो सिर्फ सैटरडे नाइट था जब थोड़ी सी चढ़ गई आपको सो so, टेम्परली आपका माइंड अनसाउंड है उस समय के लिए जब आपका माइंड अनसाउंड है यू कैन नॉट एंटर इन टू वायल कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज यू आर इन योर सेंसेस एंड एट दैट टाइम यू कैन ऑलवेज एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एट दैट टाइम यू कैन Always enter into a valid contract. Getting it or no, my dear friends? Yes or no, guys? So, yes, a drunken person or a lunatic. जहां पे उनका माइंड समटाइम्स साउंड होता है और समटाइम्स अनसाउंड होता है ऐसे लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते वेन दे आर माइंड इज अनसाउंड बट अदरवाइज दे आर माइंड इज साउंड एंड वेन दे आर इन आर सेंसेस दे कैन ऑलवेज एंटर इन टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट येस नो गाइस यस और एक तीसरा पॉइंट है जो कहता है कुछ लोग स्पेसिफिकली डिसक्वालिफाइड होते हैं बाय लॉ ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं आई विल गिव जस्ट वन एग्जाम्पल बिकॉज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर थ्री में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक हल्की सी झलक मैं यहां पे आपको देना चाहती हूं पिक्चर अभी बाकी है ये सब कुछ डिटेल में यूनिट नंबर थ्री में होने जाने वाला है सुनो ना कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली डिसक्वालिफाइड होते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल अ कॉन्विक्ट अब अगर कोई कॉन्विक्ट है और अपनी सजा वो जेल में काट रहा है ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है इवन अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट टिल द टाइम हिज इंसॉल्वेंसी इज नॉट डिस्चार्ज ही इज नॉट अलाउड टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आप वो व्यक्ति हो आप वो व्यक्ति हो जिसको लॉ मेकर्स ने डिसक्फाई किया है You cannot enter into a valid contract because you do not have the capacity to enter into a contract. And other than these peoples,, matlab, uh, if you are not disqualified by law, you have the capacity to enter into a contract and the contract entered into with you will be a valid contract. Everyone, please stop chatting on the group.

पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा सिखाने में ओके चलो तो सुनो मेरी बात आ, सुनो ना मेरी बात कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए आप में होनी चाहिए द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कम माना जाएगा दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट वेन यू आर अ मेजर यू हैव साउंड माइंड एंड यू आर नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ इन शॉर्ट माइनर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अ पर्सन डिसक्वालिफाइड बाई लॉ के नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ जाइए आपकी चार्ट बुक्स पे देखो

वेन यू आर हैविंग अ साउंड माइंड एंड यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ किसी ने पूछा है कैन अ फॉरिनर एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट येस अ फॉरिनर कैन ऑल्सो एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट किसी ने पूछा है मैम कैन अ स्पेशल चाइल्ड एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट लुक स्पेशल चाइल्ड एम अज्यूमिंग ही इज नॉट मेंटली चैलेंजड इफ अ चाइल्ड इज फिजिकली चैलेंजड ओके

येस एवरी पर्सन हु मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्कालीफाइड बाय लॉ कैन एंटर इन टू अ कॉन्ट्रेक्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर बात करता है कंसिडरेशन के बारे में कंसिडरेशन नाउ वॉट डू मीन बाय कंसिडरेशन वॉट डू मीन बाय कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न वॉट यू मीन बाय कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न तो अब हमने देखा है एक ऑफर होता है और ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है और यह म्यूचुअल होता है राइट एक ऑफर होता है और यह एक्सेप्टेंस होता है और यही चीज जो होती है वो क्या होती है वो म्यूचुअल होते हैं सो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया है ई फोन फॉर रूपीज फिफ्टी थाउजेंड और आपने इस चीज के लिए हाँ कहा है मैं आपको फोन दे रही हूं और उसी के बदले में आप मुझे दे रहे हो पचास हजार रुपए फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन रिटर्न तो जो चीज मुझे मिलती है इन रिटर्न उसको कहते हैं कंसीडरेशन और जो चीज आपको मिल रही है इन रिटर्न आपने मुझे क्या दिया है पचास हजार रुपए और पचास हजार रुपए के बदले में आपको क्या मिल रहा है आईफोन तो आपको जो आईफोन मिल रहा है इन रिटर्न इट इज योर कंसिडरेशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट और जो मुझे मिल रहा है पचास हजार रुपए दैट इज माई कंसिडरेशन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट सो वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन इसी कंसिडरेशन का एक लैटिन वर्ड है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो वॉट इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन कमॉन गाइज दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच इट्स फास्ट ट्रैक बैच सो यू हैव डन द सिलेबस वंस ऑलरेडी कमॉन टेलमी वट इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन कमॉन फास्ट फास्ट वेरी गुड अभी पीयूष ने मुझे जवाब दे दिया है सुयर्श ने भी जवाब दिया है रुतुजा ने भी जवाब दिया है क्या बात है वेरी गुड माई डियर फ्रेंड्स अर्श राशि अलीशा यस क्विड प्रो क्यो क्विड प्रो क्यो इज द लैटिन वर्ड फॉर कंसिडरेशन विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न सो बेसिकली कंसिडरेशन मीन्स वट एवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न तो जो भी चीज आपको रिटर्न में मिलती है वो होता है आपका कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सो द बेसिक एलिमेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव

यही कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल एंड प्लस आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव भी जो है वो भी होना चाहिए लॉफुल सो बेसिकली ये जो पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फाइव है उसमें दो एलिमेंट्स है लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूं लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन देखो प्रीवियस पॉइंट ने ये तो क्लियर कर दिया कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है कंसिडरेशन का होना जरूरी है बट अलोंग विद दैट योर कंसिडरेशन शल ऑल्सो बी लॉफुल इन नेचर जैसे कि मैं आपको कह रही हूं मैं आपको कह रही हूं आई एम विलिंग यू टू गिव यू माई आई फोन और आप मुझे क्या कह रहे हो इसी आईफोन के बदले में मैम हम आपको ड्रग्स सप्लाई करेंगे हाँ अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ ड्रग्स सप्लाई करना क्या ये लॉफुल है क्या ये लीगली अलाउड है और इज इट फॉरबिड इन लॉ लॉ डियर फ्रेंड्स इट इज फॉरबिड इन बाय लॉ इट इज नॉट अलाउड सो हमारे बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि आपका कंसिडरेशन जो है इट मस्ट बी लॉफुल कंसिड्रेशन तो लॉफुल होना चाहिए और प्लस आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट शल ऑल्सो बी लॉफुल जैसे कि एक्स एंड वाई एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू किल मिस्टर ए एक्स ने कुछ घूस दिया मिस्टर वाई को और कहा हे hey वाई ए का मर्डर कर लो जिसके बदले में मैं आपको पांच लाख रुपए दूंगा अब देखो मेरी बात ये एक्स और वाई के बीच में जो हुआ है इट्स फॉरबिड इन बाय लॉ किसी का खून करना इंडिया में अलाउ नहीं है अब ऐसे केस में माई डियर फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है दैट इज अनलॉफुल और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं इट विल बी रिगार्डेड एज एन इीगल अग्रीमेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल इन नेचर इट इज फॉरबिडिन बाय लॉ तो पॉइंट फाइव वही चीज कहता है दोनों भी चीजें पॉइंट फाइव कहता है कौन सी दोनों चीजें पॉइंट नंबर फाइव कहता है आपका कंसिड्रेशन लॉफुल होना चाहिए एंड अलोंग विथ दैट आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो भी लॉफुल होना चाहिए तो देखो वॉट इज पॉइंट नंबर फाइव सेब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल क्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स वॉट इज पॉइंट नंबर टू बी वर्ड नाव देर आर सर्टेन अग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेय एज वर्ड और इलीगल और इस बारे में ना हम लोग यूनिट नंबर थ्री में पढ़ने वाले हैं सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी पेंडिंग फॉर यूनिट नंबर थ्री विच वी विल रिफर लेटर ऑन सो करंटली सेक्शन नंबर टेन के सेक्शन नंबर टेन के हमने चार पॉइंट किए वन प्रॉपर ऑफर प्रॉपर एक्सेप्टेंस फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है यू शुड बी हैविंग द कपेसिटी टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कपेसिटी टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट मींस यू शुड बी अ मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालिफाइड बाई लॉ अलोंग विथ दैट विंग कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट यही कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी है अलॉन्ग विद आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना जरूरी है सो दीज आर दसेंशियल विच आर टू बी प्रेजेंट इन अंट्रेक्ट एज गिविन अंडर सेक्शन नंबर टेन अब सेक्शन टेन के दो पॉइंट बचे हुए है ये जो पॉइंट नंबर सिक्स है वी विल डू इन यूनिट नंबर थ्री इन डिटेल और पॉइंट नंबर टू जो है फ्री कंसेंट कंसेंट विच इज नॉट कॉज ड्यू टू कोअर्शन इन्फ्लुंस फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ये किया जाने वाला है कल तो आज जो भी कुछ हमने किया है अब तक कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में उसे रिवाइज करना चाहती हूं एंड देन आई विल कॉल इट एंड ऑफ फॉर टुडे कहां पे पूरा घंटा चले गया समझ में भी नहीं आया इट वॉज फन Teaching you all. So no meribal. Everyone has to be involved in the revision process. Always remember this revision is for you, not for me. What do you mean by a contract? An agreement enforceable by law means a contract. So agreement plus enforceability is a contract. Agreement is what? Offer plus acceptance. Offer plus acceptance is an अग्रीमेंट ओके okay? और यही अग्रीमेंट में अगर लीगल इंफोर्सिबिलिटी होती है तो वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ अर टर्म एंड अग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट बट एवरी अग्रीमेंट में नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। वही अग्रीमेंट जिसमें होता है लीगल इन्फोर्सिबिलिटी टर्न आउट इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगते हैं कम से कम दो पार्टीज कम से कम दो पार्टीज इन्हीं पार्टीज के बीच में एक लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है तो जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता है यही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए दे कैन नॉट बी वेग एंड इट शुड बी समथिंग विच इज पॉसिबल ऑफ बीइंग बीफॉर्मड एनी कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव एन अग्रीमेंट मींस दे शुड बी अ प्रॉपर ऑफर एंड दे शुड बी अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस यही पार्टीज़ शुड हैव द कपेसिटी टू एंटर इंटू अंट्रेक्ट वेन डू यू हैव द कपेसिटी टू एंटर इंटू अक्ट वेन यू आर अ मेजर Sound mind and not disqualified by law. The parties to the contract should have consideration exchanged between themselves. Remember, no consideration, no contract. This consideration shall also be lawful in nature. Along with this, we also want the object of the contract to be lawful in nature, and the agreement shall not be such as is declared void. And the consent of the parties should be free, not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So, this is all for today, my dear friends. Thank you very much. See you all tomorrow. Bye-bye. Tomorrow, I will see you after Harshad sir's class, okay? So, it will be around 1.15, 1.30 as and when sir leaves the lecture. Thank you. Bye-bye. See you guys tomorrow.